वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे जो कि 10th क्लास में सिंध बोर्ड की है, और इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि लेट सेट ए दिया गया है, उसके एलिमेंट्स दिए गए हैं ए और बी, और उसके बाद सेट बी दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 और 3, और यहाँ पे सेट सी भी है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 और 4। तो इसके पार्ट दिए गए हैं कि नंबर 1 पार्ट है कि ए क्रॉस बी यूनियन सी करें, और ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी करें, और नंबर 3 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करें, नंबर 4 ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी करेंगे। तो व्यूज़, इसमें इस वीडियो में हम जो है फर्स्ट जो है इसका पार्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसलिए हम इसका फर्स्ट जो है करेंगे, और सेकंड जो है अगली वीडियो में करेंगे पार्ट, से थर्ड इसी तरह अलग अलग इसके पार्ट हम बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें पार्ट नंबर 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो आइए करते हैं इसे। पहले हम बी यूनियन सी करेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो हम करेंगे बी यूनियन सी। बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 2 और 3, ठीक है। और उसके बाद सी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यहाँ पे यूनियन देंगे। सी के एलिमेंट्स हैं, ये यूनियन की साइन है, 3 और 4। और अब इनकी यूनियन क्या होगी? यूनियन में होगा, ये तरतीब में रखेंगे, 2 रखेंगे, उसके बाद 3 रखेंगे और 4 रखेंगे। यूनियन में ऑर्डर में लिखते हैं, और रिपीटेशन एलिमेंट्स की नहीं होती। अब हम ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे, ठीक है। ये बी यूनियन सी का आंसर मिला था हमें, ये आंसर था हमें, ठीक है। आगे करेंगे। अब ए क्रॉस करना है बी से, तो कैसे करेंगे? ए का एलिमेंट फर्स्ट जो है बी यूनियन सी के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए, और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ए का फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से, और ए मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। उसके बाद सेकंड एलिमेंट है सेट बी का, वो है बी, तो हम बी मल्टीप्लाई करेंगे किससे? बी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और बी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से, और बी मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। तो ये हमें मिल गया ए क्रॉस, ये इसका आंसर है, ये मिल गया हमें ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दूसरे पार्ट देखने के लिए अगले वीडियो देखें।